तो हम पहुंच गए लक्सर अराउंड 4:30 बजे पहुंच गए थे, और हमारी बोट मतलब इन्हीं लाइन में खड़ी है, एक के बाद एक खड़ी रहती है बोट, ताकि पैसेंजर्स आके शोर तक क्रॉस कर जाएं, क्योंकि किनारे पे इतनी जगह होती नहीं ना, तो एक के बाद एक जैसे ये दो खड़ी हैं, तो हमारी 4th नंबर पे खड़ी है वहाँ पे। तो कह रहे हैं थोड़ी देर में हम यहाँ लगा देंगे, तो जब वापस आओ तो यहाँ से चढ़ जाना। अब आके आप डिनर कर सकते हो, 7:30 बजे डिनर होगा, और फिर उसके बाद सो सकते हो, और फिर सुबह मतलब अपना आगे का प्लान कंटिन्यू कर सकते हो। तो आगे का प्लान बाद में बताऊंगा, अभी थोड़े लक्सर से हम दूर हैं, पर ठीक है, अभी हम बाहर आ गए थोड़ा ऐसे ही देखने के लिए। मॉस्किटोज आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितनी सारी बोट है भाई, 4 वहाँ खड़ी थी, 5-6 पता नहीं भाई, कम से कम 15-20 होंगी यहाँ पे बोट ये वाली। तो अभी इनका धंधा सही चल रहा है, क्योंकि हमारी बोट पे ज़्यादातर लोग अरेबिक थे, फॉरनर थोड़े कम थे, तो सही है। तो आज है 5 दिसंबर और बज रहे हैं सुबह के 4:30। मैं हूँ अपने क्रूज में, और अभी मैं जा रहा हूँ टाइटल थंबनेल से जान ही गए कि हॉट एयर बैलून राइड करने, पहली बार करूँगा मैं, मैंने कहीं नहीं किया है, और अभी मेरा एजेंट आ रहा है मेरे को लेने, सनराइज़ से पहले करवाते हैं ये, तो टाइम हो रहा है 4:45 कुछ, तो वो कह रहा है अभी अराउंड 5 मिनट में मैं आ जाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ जल्दी, तो चलते हैं अपना हॉट एयर बैलून राइड का एक्सपीरियंस आपको बताने। कुछ ऐसा दिख रहा है क्रूज़, वेट कर रहा हूँ अभी मैं, और मेरे को लगा सिर्फ मैं ही अकेला हूँ कि मतलब सुबह जो यहाँ पे हॉट एयर बैलून के लिए वेट कर रहा है, पर नहीं है, मेरे पीछे बोट, और अभी हम जा रहे हैं हॉट एयर बैलून राइड करने। हाउ फार इज द बैलून फ्रॉम हियर? हाउ फार, इट्स मे बी 20 मिनट्स। ओके, ड्राइव, बट वी हैव मोर पीपल। तो यहाँ चाय कॉफ़ी ब्रेक है, फिर उसके बाद जाएंगे आगे। मेरे को लग रहा है सारे बंदे एक गुब्बारे में फिट होंगे। ऐसा हुआ तो मैं आपको एक टिप दूंगा फिर, कम बंदों के साथ गुब्बारा करने की। बोट चल चुकी है भाई, ईस्ट बैंक से शायद वेस्ट बैंक जा रहे हैं, ये नदी का दूसरा किनारा। ये कैमरा मैन अपना जो कि पैसे लेगा और मैं नहीं दूंगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, या एवरीथिंग गुड? तो एक छोटी मिनी बस अभी हमको लेके जाएगी गुब्बारों पर। तो यार GoPro से पक गया, मतलब पता नहीं क्या SD कार्ड एरर सुबह से दिखा रहा है और बीच में रुक जा रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो फ़ोन से बनाते हैं अब। तो भाई यहाँ पे इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं कि एक तो भाई अपना फ़ोन यूज़ मत, GoPro या फिर कैमरे यूज़ मत करना टेक ऑफ के दौरान, उड़ने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, मतलब 30-1 मीटर पहुँच जाए तब आप यूज़ कर लेना, ठीक है, ये बताया है। और दूसरी चीज़ बताई है कि भाई जब लैंड हो जाए ना, तो ये नहीं कि आप लैंड जैसे ज़मीन पर टच हुआ उतर के भाग गए, ये नहीं करना भाई, क्योंकि अगर 2-4 बंदे उतर गए तो बैलून का वेट कम हो जाएगा, तो फिर बैलून दोबारा उड़ जाएगा, तो ये नहीं करना, ठीक है। और क्या नहीं करना, हाँ, ये जो जितने भी बैलून्स वगैरह की ट्रिप है ना, ये है लक्सर एयरपोर्ट के द्वारा कंट्रोल्ड है, मतलब कि क्योंकि भाई ये हवा में उड़ते हैं तो प्लेन व्लेन आते हैं, तो ये सब कंट्रोल करता है लक्सर एयरपोर्ट। और क्या बताया था, हाँ, कि यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े बैलून हैं, मैंने सर्च नहीं किया भाई, पर इन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब एक बैलून में 32 लोग के करीब भी उड़ते हैं, 28 और 24, हमारा 24 वाला बैलून है, पर हमारे बैलून में अभी सिर्फ 11 बंदे, क्योंकि कोरोना के टाइम की वजह से, फिर कोरोना के टाइम की वजह से भाई यहाँ पे पहले कह रहे कि आज आपको सिर्फ आसमान में दिखेंगे 3 बैलून, पर कोरोना टाइम से पहले यहाँ पे 40-45 बैलून एक टाइम पे उड़ते हुए दिखते थे, ठीक है। और भाई GoPro ने परेशान कर दिया, पता नहीं क्या SD कार्ड एरर, मैं परेशान हो गया हूँ बिल्कुल, मतलब फ़ोन से तो यार बिल्कुल वाइड एंगल आता नहीं ना, तो मज़ा नहीं आता। फिर और क्या बताया कि भाई, हाँ, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे उड़ाएं जहाँ पे मतलब हमने आपको कहा हो वहाँ पे उड़ाएं, पर क्या है कि जहाँ पे विंड होगी ना, जिस तरफ विंड की डायरेक्शन होगी भाई, उस तरफ उड़ेगा बैलून,
ठीक है, और पायलट जो कैप्टन होगा बैलून का, वो बैलून को ऊपर नीचे करेगा ताकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और आपको हॉट एयर बैलून का फंडा तो पता ही होगा भाई, उड़ता कैसे, हॉट एयर बैलून उड़ता है मतलब गर्म हवा की वजह से, गर्म हवा ऊपर जाती है तो ये सारा गर्म हवा भरते हैं इसके अंदर और फिर वो बैलून ऊपर जाता है भाई, ये होता है फंडा। ये तो सिंपल सा है और सर्दियों में शायद ईजी रहता है क्योंकि अभी टेम्परेचर ही मतलब 7-8 डिग्री हो रहा होगा और बैलून का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और गर्मियों में तो अराउंड, सुबह तो वैसे गर्मियों में भी ठीक ही रहता होगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से डेजर्ट है ये। तो आपको दिखाता हूँ भाई बैलून कैसे फुलाते हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन सब बातों से ना। ये है भाई पूरा बैलून ये बिछा दिया है, पता नहीं हमारा है या नहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही। और ये है इसकी बास्केट और इसके अंदर शायद अब हवा भरनी स्टार्ट करेंगे जब लक्सर एयरपोर्ट कह देगा हाँ भाई उड़ जाओ। एक बंदे ने वहाँ से सीटी बजाई और ये सारे लग गए काम पे, देखो ये उड़ा देंगे अभी बैलून को, ये उड़ गया है दो दो फुला दिया। पहले शायद गर्म हवा भरते होंगे इसके अंदर, पहले तो आग नहीं लगा सकते, इसका ये पंखा चल नहीं रहा है बेचारे का, हवा भरने के लिए परेशान हो रखा है। चल गया। वहां पे एक और बैलून फूल रहा है, देखो यहाँ पे देखो बैलून को ट्रक से बांध रखा है कि भाई उड़ ना जाए। ये अपने वाला गुब्बारा थोड़ी फुस्सी गुब्बारा है, वो वाला फूल गया है, इन्होंने मोटर बंद कर दिया, अब पता नहीं ऐसे तो हवा निकल जाएगी यार इसमें से, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा इनका। उन गुब्बारों वालों ने आग जला दी है भाई, अब हवा को करेंगे गर्म, ये हमारे वालों ने अभी हवा ही नहीं भरी है। ये भाई फुस्सी गुब्बारा है पर ये फूल गए, ये भी हमारे वाले अब आग भरेंगे शायद थोड़ी देर में। आवाज़ आ रही है मेरी भाई? वो देखो भाई वो वाला गुब्बारा उड़ गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, इस तरफ गिरेगा 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 गिरेगा, क्या कहते हो गिरेगा नहीं गिरेगा? ओ बच गया, ओ भाई बचा लिया इन्होंने, गिरने से बचा लिया हमारे वालों ने भी यार, हम भी पीछे नहीं है भाई, करो करो जल्दी तेज चलाओ आग। बैलून में चढ़ने का टाइम है भाई, बैलून उड़ गया, बैलून के अंदर आ गए। एक वहां पे है, एक बोरा, एक हमारा है। थैंक यू। भाई झटका वटका ना लग रहा है। वो वाला बैलून उड़ गया। उसकी फ्लेम बंद कर दी, हमारे वाले का पता नहीं क्या सिस्टम है अभी। इतने सारे क्रू मेंबर्स हैं भाई, ये सारे के सारे क्रू मेंबर्स हैं। जा रहा देखो सबसे पहले वाला बैलून, वो हो गया भाई। हमको थोड़ा टाइम लगेगा अभी, शायद 5 मिनट और। बहुत बड़ा बैलून है यार, कैमरे में आ ही नहीं पा रहा, मैंने जूम वाले मोड पे कर रखा है। वो वाला बैलून भी उड़ गया है, हमारे वाले लेट हैं, ये फुस्सी बैलून है मैं बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, उड़ जाएगा। इनका ये भी होता होगा पहले वो वाले बैलून को उड़ने दो, क्योंकि अगर वो साथ उड़ेंगे दोनों तो टक्कर हो सकती है। देखो कितनी पास से जा रहा है ये वाला, उस तरफ की विंड है आज, वो एक जा चुका है और अपने वाला भी लोग वेट कर रहे हैं। हो चुके हैं हवा में, वो जा रहे हैं दो, एक बैलून ये एक ये, अब हम भी हवा में हो गए हैं भाई, उड़ गया है हमारा बैलून भी। धीरे 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 करके गर्म करेंगे, यही कि एकदम से ही गर्म कर दिया और स्पेस में पहुंच गए। This one, his name, Queen of Hatshepsut.
not hot chicken soup, okay? So some people say hot chicken soup. No, this one cream of hot chicken soup. भाई हम अकेले ही हैं, मतलब जो इस तरफ आ गए हम इस तरफ जा रहे हैं, देखो वो बलून तो उस तरफ चलेगा, हमारा वाला अलग ही है भाई, बिल्कुल ही, मतलब वो यहाँ पे थे और वहाँ चले गए, और हम यहाँ पे थे, वहाँ पे थे और यहाँ आ गए, और वो है हचिप्सू टेंपल, जो कि आपको अगली वीडियो में शायद देखने को मिलेगा। Do you know why? What if? Tumhare level. And he can defeat Amikam. 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 Why? Looks like him. तो अभी भाई हम बहुत तेज जा रहे हैं यार नीचे, मतलब मेरे को तो लग रहा है क्रैश हो रहे हैं, बहुत तेज जा रहे हैं भाई नीचे, अब देखो इतनी हाइट पे आ चुके हैं। घर की किसी की छत पे लैंड होएंगे, we will land on someone's roof. धोखा दे दिया भाई, मतलब जाके मेमोरी कार्ड साफ करूंगा, मतलब सारी फाइल्स लैपटॉप पे कॉपी करूंगा और फिर करेंगे भाई, गोप्रो के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा फोटोज तो ले ली गोप्रो ने पर मज़ा नहीं आज की वीडियो, मतलब जितनी अच्छी बन सकती थी ना गोप्रो के से उतनी बेकार बनी है, पर आपको पता तो चल गया प्राइस इसका मैंने दिया, अराउंड 800 एजेंशन कॉम्प्रो 50 सारे भाई आ गए। अरे मतलब उतरना नहीं है भाई किसी को भी, क्योंकि दोबारा उड़ जाएगा वरना। इन्होंने पैराशूट खोल दिया ताकि सारी गर्म हवा बाहर निकल जाए। तो अब यहाँ पे एक वो दिया था फॉर्म कि मतलब कैसी थी, तो मैंने कहा एक्सीलेंट। ये सारे बच्चे आ गए हैं एक एक डॉलर मांगने, पर